पहाड़ों की रानी मसूरी में हो रही बारिश ने पीडब्ल्यूडी नगरपालिका मसूरी और राष्ट्रीय राजमार्ग की पोल खोल कर रख दी है। मसूरी में सड़कों का हाल बदहाल है। हाल ही में मसूरी माल रोड के स्थित मसूरी देहरादून मार्ग का डामरीकरण किया गया था, परंतु सड़कों की मरम्मत का कार्य इतनी घटिया गुणवत्ता से किया गया है जिसके कारण सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पेट्रोल पंप के पास सड़कों पर बने गड्ढे दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं, परंतु इस ओर न तो राष्ट्रीय राजमार्ग और न ही स्थानीय प्रशासन के अधिकारी ध्यान देने को तैयार हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार का इंतजार कर रहे हैं। लोगों की माने तो मसूरी की कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिसके हाल बदहाल नहीं है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, परंतु देखने वाला कोई नहीं है। हाल ही में मसूरी के यमुना पेयजल योजना के तहत सड़कों को खोद कर पाइपलाइनें डाली गई थी। वहीं ठेकेदारों द्वारा घटिया गुणवत्ता के तहत सड़कों की मरम्मत कराई गई थी जो कि एक ही बारिश में धुल गई। मसूरी से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। पहले मतलब जो अभी जो बरसात शुरू हुई है इसमें हर तरफ मसूरी की जो सड़कें उनका बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। चाहे लाइब्रेरी चाहिए, लंडौर चाहिए, भट्टे की तरफ जाइए और मैरीविल स्टेट जाइए, मैं रोज पैदल आता हूँ और रोज पैदल जाता हूँ। आज से पहले जितनी भी बार यहाँ पे कोई कमी बेसी होती थी तो अधिकारी यहाँ लोग आते थे, अभी तक नदी नालों को देखने कोई भी नहीं आया यहाँ पे। जब साले नदी नाले भर गए उसके बाद ये इंक्वायरी पे जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। और मैं डेली देख रहा हूँ कि सड़कों की हालत इतनी बदतर हो रखी है कि पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो रखा है। घरों में पानी घुस रहा है और नदी नाले पूरे फुल हो गए। आप इधर नालों में जाइए तो सारी गंदगी वगैरह सब बाहर आ रही है। अभी तक किसी की नींद नहीं।